जय मसीह की। ये हमारा पहला वीडियो है। जैसे हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, बाइबल को गंभीरता से समझने के लिए उसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से हम इस सेवकाई में लगे हुए हैं कि हम किस प्रकार से बाइबल को समझें। केवल समझना काफ़ी नहीं है, लेकिन इसका पालन करना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पहला स्तर जो है, पहला स्टेप जो है, वो है बाइबल को समझना, बाइबल का अध्ययन करना। हम कई उत्तर भारत के राज्यों में हमने मीटिंग्स कन्वेंशंस कराए हैं, और वहाँ पर हमने देखा है कि लोगों का प्यास, वचन के प्रति जो प्यास है, बहुत अद्भुत है। इस कारण से हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम कुछ बांटे, कुछ दे उन्हें, क्योंकि जो हमें मुफ्त में मिला हुआ है, बिना किसी पैसों का मिला हुआ है, क्यों ना हम उसे बांटे। तो अभी हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि नए नियम में जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रवेश किया, सबसे पहला उनका जो विचार था, उनका सबसे पहला जो संदेश था, उसे हम पढ़ेंगे। तो हम मत्ती की किताब 3:2 पढ़े। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा का परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही स्पष्ट एक समाचार था, उन्हें उसे बांटना था लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों को क्या कहा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती का 3:2। देखिए, हम प्रचार करने के लिए बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, बाइबल के अध्ययन करने के लिए कई बातों को हम जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है उसे हम बताना चाहेंगे कि बिना अपने मन को फिराए हुए, बिना पश्चाताप किए हुए, यदि आपके पाप अभी तक माफ़ नहीं किए गए हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो पहला स्टेप है। और ये जो हम परमेश्वर के राज्य को कह रहे हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे क्या है परमेश्वर का राज्य। लेकिन जब तक आपके मन में आपने कबूल नहीं किया है कि आप पापी हैं, आपने कबूल नहीं किया है कि जो भी आपने किया था, जो आपकी सोच में, आपके विचार में अच्छा हो, वो भी हो सकता है कि परमेश्वर की नज़र में वो गलत है। तो जब तक आप अपने पापों का कबूल ना करें, जब आप अपने मन को ना फिराए, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बस केवल यही नहीं, हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई की, तो उनके सबसे पहले बोल भी यही थे। मत्ती के 4:17, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए, यह पहला स्टेप है हमारा, हम आगे नहीं प्रवेश कर सकते जब तक इसको हम ना क्रॉस करें। इसको क्रॉस किए बिना हम आगे नहीं प्रवेश कर सकते। इसलिए इस पहले वीडियो में हम कहना चाहेंगे कि आपको मन फिराना है। मेरे कहने से आप मन नहीं फिरा सकते। आप घुटनों के बल आए और मान ले कि आपने जो किया है पिछले दिनों में, कई बातें, कई काम, कई काम आपने परमेश्वर के विरोध में किया है। हम आप पर दोष ठहराने वाले कोई नहीं है, ना ही परमेश्वर आप पर दोष ठहराएगा। लेकिन आप ये जान लें कि जब तक आपके मन में वह स्वच्छता ना आए, जब तक आपका हृदय में वो स्वच्छता नहीं आए, तब तक आप परमेश्वर को अपना नहीं सकते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वच्छता हमारे मन, हमसे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारे हाथों में कुछ बल नहीं है। लेकिन यदि आप परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मैं अपने आप नहीं कर सकता, आपकी सहायता मुझे आवश्यक है, आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है, तो परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि पाप में तो क्या है, मैंने तो कुछ बड़ा पाप नहीं किया, मैंने तो मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए। लेकिन आप जान लें कि यदि परमेश्वर के बताए हुए बातों, उनके नियम से यदि आप थोड़ी भी अलग हो जाएं, आपकी चलन, आपकी सोच, यहाँ तक कि सोच, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, आपका सोच भी यदि गलत है, तो वह परमेश्वर की नज़र में पाप है। आप यदि पाप की उस गंभीरता को नहीं समझे, तो मैं आपको यह आलोचना देना चाहूँगी कि आप क्रूस को देखें, कि आपके और मेरे पाप के कारण ही परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। यदि आप पाप की गंभीरता को देखना चाहते हैं, तो आप उत्पत्ति की ओर देखें। उत्पत्ति का 3:1, उसमें यदि आप पढ़ें, तो आप जानेंगे कि पाप के कारण क्या हुआ था संसार में। ऐसे देखें तो बहुत सारे पदों को हम पढ़ पाएंगे। रोमियो के 6, और हम यह भी जानते हैं कि रोमियो की किताब में लिखी हुई है
कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम पाप करके फिसल जाएंगे, चाहे तो हम पाप करें या ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जानिए कि जब तक आपके पाप प्रभु के लहू से धुल ना जाए, आप आगे मसीही जीवन में आगे प्रवेश नहीं कर सकते, आत्मिक जीवन में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये सब बातें इसके लिए कहा गया है। हम आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दें कि आपको कई बातें सिखाएं। तभी अपनी आँखों को बंद करें और इस समय इस गीत को हम गाएंगे कि परमेश्वर प्रभु के लहू से हमें चंगाई मिलेगी। परमेश्वर चंगाई किस बात की? शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन हमारी आत्मिक चंगाई। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको बचाता है। मैं जब भी गिर जाती हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाती हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको बचाता है। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाती हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको संभालता है। हमारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी प्रभु आपके चरणों पर इस समय आए हैं कि आप इस पढ़े हुए वचन को और हमारे बाइबल अध्ययन को आशीष दें। जिन्होंने इसे सुना है, आप उस अच्छे बीज के समान उनके मन में हृदय में बिठा दीजिए और आपके वचनों को केवल सुने नहीं लेकिन उसका पालन भी करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।